चाणक्य की चतुराई। एक बार की बात है, सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में एक बूढ़ा किसान रोता रोता आया और बोला, महाराज मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरा मित्र, मेरा सारा जमा धन हड़प गया। सम्राट चंद्रगुप्त बोले, साफ साफ कहो क्या बात है। किसान कहने लगा, महाराज मैं एक गरीब किसान हूं, मेरा नाम रामदास है। कुछ समय पूर्व मैं तीर्थ यात्रा पर निकला था। जाते समय मैं अपना सारा जमा धन अपने मित्र के पास रख कर गया था। मैंने कहा था कि तीर्थ यात्रा से लौटने पर ले लूंगा, परंतु अब वापस आने पर मेरा वह मित्र मुझे पहचानता भी नहीं। कहता है, कौन सा धन, कैसा धन, मैंने तो तुम्हें पहले कभी देखा ही नहीं। महाराज मैं क्या करूं, मेरे साथ न्याय कीजिए। चंद्रगुप्त ने पूछा, तुम्हारा कितना धन था। किसान बोला, महाराज 5000 सिक्के। चंद्रगुप्त ने पूछा, क्या तुमने अपने मित्र के लेन देन के लिए कोई लिखा पढ़ी की थी, क्या तुम्हारा कोई गवाह है। किसान ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मैं अपने मित्र पर बहुत अधिक विश्वास करता था, इसलिए कोई लिखा पढ़ी नहीं की। मंदिर के बाहर उस स्थान पर दोपहर में कोई आता जाता भी नहीं, अतः मुझे धन देते हुए और मेरे मित्र को धन लेते हुए किसी ने भी नहीं देखा। चंद्रगुप्त ने आज्ञा दी कि किसान के मित्र को बुलाया जाए। उसका मित्र दरबार में आया। महाराज ने उससे पूछा, क्या यह किसान ठीक कह रहा है। किसान का मित्र बोला, महाराज यह बूढ़ा आदमी झूठ बोल रहा है, मैं तो इसे जानता तक नहीं। किसी अनजान व्यक्ति का धन भला मैं अपने पास क्यों रखता, वह भी बिना किसी लिखा पढ़ी के। यह जिस मंदिर की बात कर रहा है, उस मंदिर को भी मैं नहीं जानता। फिर वहां जाने की बात तो बहुत दूर की है। महाराज ने अपने महामंत्री चाणक्य की ओर देखा। महामंत्री ने उन दोनों को अगले दिन सुबह दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। चाणक्य ने महाराज से कहा, आप इस मुकदमे का निर्णय मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं स्वयं न्याय करूंगा। सुबह होते ही दोनों सभा में उपस्थित हुए। दोनों ने अपनी अपनी बात दोहराई। महामंत्री ने किसान से पूछा, तुमने मंदिर के बाहर किस स्थान पर धन दिया था। वह बोला, महोदय मंदिर के बाहर पीपल का एक पेड़ है, उसके चबूतरे पर यह बैठा था, वही मैंने इसे धन दिया था। महामंत्री ने पूछा, धन देते हुए तुम्हें किसी ने देखा हो या ना देखा हो, पेड़ ने तो अवश्य ही देखा होगा। बूढ़ा आदमी संकुचाते हुए बोला, जी महामंत्री। चाणक्य ने कहा, जाओ पेड़ को बुला कर लाओ, वह गवाही देगा। हिचकिचाते हुए किसान पेड़ को लेने चला गया। सुबह से दोपहर होने को आई, परंतु किसान लौटकर नहीं आया। उसका मित्र बैठे बैठे परेशान हो गया। महाराज ने पूछा, क्या मंदिर बहुत दूर है, जो बूढ़ा आदमी अभी तक नहीं आया। भूख और प्यास से परेशान किसान का मित्र बोला, महाराज मंदिर तो कोई ज्यादा दूर नहीं है, मैं इतनी देर में मंदिर तक 20 चक्कर लगा सकता था, लेकिन वह बूढ़ा आदमी गया हो तब ना, वह तो बहुत झूठा है, जरूर घर जाकर खा पीकर आराम कर रहा होगा। महामंत्री ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, भाई अभी तो तुमने कहा था कि तुम तो वहां कभी गए ही नहीं, तुम अब कैसे कह रहे हो कि मंदिर पास ही है। निश्चय ही वह बूढ़ा किसान सच कह रहा है और तुम झूठ, तुमने अवश्य ही उसका धन हड़प लिया है। अब अपनी इच्छा से उसका धन वापस कर दो, नहीं तो राजदंड के भोगी बनोगे। किसान का मित्र स्वयं अपनी बात के जाल में फंस चुका था। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बूढ़े का धन वापस दे देने का प्रण भी किया। थोड़ी ही देर में वह किसान आया। वह बहुत ही थका थका सा लग रहा था। आते ही किसान बोला, महोदय मैंने पेड़ से बहुत मिन्नतें की,
परंतु वह गवाही देने नहीं आया। महामंत्री चाणक्य ने किसान से कहा, अरे नहीं, वह आया था, वह गवाही देकर चला भी गया। तुम्हारे मित्र ने मान लिया है कि उसने तुम्हारा धन लिया था, अब वह वापस देने को भी तैयार है। इस प्रकार चाणक्य ने अपनी बुद्धि के बल पर न्याय कर दिखलाया।